हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी मिर्ची का सालन जो खाने में बड़ा ही मज़ेदार और चटपटा है। आप इस मिर्ची के सालन को बनाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है, हाफ प्याज ली है, हरा धनिया, लेमन जूस चाहिए होगा, चेरी टमाटो, लहसुन, अदरक यहाँ मैंने छोटा सा पीस लिया है, करी पत्ता, मूंगफली, तिल, कोकोनट पाउडर, ड्राई मसाले में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ मैंने आमचूर लिया है और नमक, इसको हम मिलाएंगे, मिर्ची में फिल करेंगे इसको। यहाँ मैंने मिर्ची में कट लगा लिए इस तरह से, आमचूर में नमक और लेमन जूस मिला के हम इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे क्योंकि हमें मिर्ची में फिल करना है। ये मैं बहुत थोड़ा थोड़ा फिल करूँगी, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं। देखिए मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ, मैं ज़्यादा फिल नहीं करूँगी मसाला इसके अंदर, इस तरह से बस लगाना है मुझे। मैंने फिल कर ली है, मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को रफली चॉप कर लूँगी क्योंकि मुझे ड्राई रोस्ट करना है इसको। देखिए ना, मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ मैं हरी मिर्च भी डालूँगी, हम तिल को रोस्ट करेंगे। कोकोनट पाउडर डाल देंगे, उसको भी रोस्ट करेंगे हम। मूंगफली भी डालेंगे हम इसमें, उसको भी रोस्ट करेंगे। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। यहाँ मैंने रोस्ट कर लिया है, अब प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इन सबको मैं रोस्ट करूँगी सॉफ्ट हो जाने तक। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूँगी मैं इसमें। टमाटर डाल देंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, देखिए हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं टमाटर सब। अब मैं सबका पेस्ट बना लूंगी मिला के। मूंगफली, तिल, कोकोनट पाउडर, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब डाल के मैं थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। देखें इस तरह से। अब हम कुकिंग करते हैं। यहाँ मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ मिर्ची फ्राई करनी है। मैं यहाँ मिर्ची डाल के फ्राई करूँगी, बस थोड़ा कलर लाना है हमें मिर्ची पे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है। देखें इस तरह से कलर आ जाए, फ़ौरन निकाल लें।
ज़्यादा कुक नहीं करनी है हमें यहाँ, बस कलर चेंज करना है ऊपर से। अब मैं यहाँ सरसों के दाने डालूँगी, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, हींग, अब मैं पेस्ट जो बनाया था हमने उसको मैं डाल दूंगी और अच्छे से भून लूंगी। ड्राई मसाले भी डाल देंगे यहीं। करी पत्ता क्रश करके डाल दूंगी, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल दें चॉप करके। देखिए हमारा मसाला भुन गया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, आप यहाँ पर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ स्किप करूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना है। आप चाहें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, इमली का पल्प डाल सकते हैं, मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ। हरी मिर्ची डाल दूँगी मैं यहाँ, हमें यहाँ पर भी हरी मिर्च ज़्यादा कुक नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बन करनी है। चेरी टमाटो डाल दूँगी, कवर कर दूंगी और गैस को ऑफ कर दूंगी। ये मसाले की स्टीम से ही कुक हो जाएंगी। ये देखें हमारी मिर्ची तैयार हो गई है, मिर्ची का सालन बनके तैयार हो गया है। हरा धनिया डाल देंगे, मैं आपको सर्व कट कर दिखाती हूँ। ये देखें हमारा मिर्ची का सालन बनके तैयार हो गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।